गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लैंड लॉ की लास्ट क्लास में हमने सेक्शन 14 पढ़ा था। सेक्शन 14 में हमने प्रोसीजर पढ़ा था, जो सेक्शन 6 और 7 का प्रोसीजर आपको बताता है, साथ ही सेक्शन 9 का जो ए पॉइंट था उसका प्रोसीजर भी वो बताता है। ठीक है, अब हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे सेक्शन 15 के बारे में। सेक्शन 15 बात करता है प्रोसीजर फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट। प्रोसीजर फॉर एविक्शन ऑफ टेनेंट, एविक्शन ऑफ टेनेंट के बारे में आप लोगों ने कौन से सेक्शन में पढ़ा था? सेक्शन 9। कहाँ पढ़ा था? सेक्शन 9। ठीक है, तो याद करने के लिए क्या इजी रहेगा कि सेक्शन 15 में किसका प्रोसीजर बता रखा है? सेक्शन 9 का। ठीक है, सेक्शन 9 का जो फर्स्ट पॉइंट है, बहुत सारे आधार हैं जिन आधारों पर किराएदार से परिसर को खाली करवाया जा सकता है। ठीक है, उन आधारों में से जो पहला आधार था कि उसने 4 महीने से किराया नहीं दिया, उस आधार के बारे में हम कहाँ पढ़ते हैं? सेक्शन 14, जो उसकी प्रक्रिया बताता है, 9A ओनली। ठीक है, बाकी अन्य आधारों के बारे में प्रक्रिया कौन बता रहा है? सेक्शन 15 धारा 15। समझ में आ गई? तो यहाँ पर धारा 15 किसका प्रोसीजर बता रही है? सेक्शन 9 का। याद करने के लिए ध्यान रखिएगा। और सेक्शन 9 किस बारे में है? सेक्शन 9 तो है बेसिस, जो है बेसिस बताता है आपको एविक्शन ऑफ टेनेंट के, और इसका प्रोसीजर कहाँ दे रखा है आपको? सेक्शन 15 में इसका प्रोसीजर दे रखा है। क्लियर हो गई बात? अब हम बात करते हैं सेक्शन 15 क्या कहता है, क्या प्रोसीजर बताता है हमें। किराया मकान मालिक जो है, मकान मालिक है या फिर मकान मालिक नहीं है, तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो अगर परिसर को खाली करवाना चाहते हैं तो वो क्या करेंगे, उसके बारे में प्रक्रिया पढ़ते हैं। देखिए, फर्स्ट सबसेक्शन की बात हम लोग करते हैं। सबसे पहले कौन जाएगा, किसको चाहिए वो परिसर खाली, किसको करवाना है? लैंडलॉर्ड को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या आएगा कि लैंडलॉर्ड, या फिर लैंडलॉर्ड नहीं है तो लैंडलॉर्ड का लीगल रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहाँ जाएंगे ये लोग? ये जाएंगे लैंड ट्रिब्यूनल के पास, किराया अधिकरण के समक्ष। क्या दायर करेंगे? पिटीशन दायर करेंगे। ठीक है, अर्जी दायर करेंगे किराया अधिकरण के समक्ष, और उस पिटीशन के साथ में क्या क्या दायर करेंगे? अर्जी, एफिडेविट यानी कि शपथ पत्र और दस्तावेज, डॉक्यूमेंट्स। अगर वो दस्तावेज हो तो यहाँ पर तीन चीज हो गई, क्या लैंडलॉर्ड या उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव लैंड ट्रिब्यूनल के समक्ष जाएंगे, क्या लगाएंगे? अर्जी लगाएंगे, पिटीशन लगाएंगे, और उसके साथ में वो शपथ पत्र संलग्न करेंगे। और यदि कोई दस्तावेज है जिनको वो आवश्यक समझता है कि भाई ये दस्तावेज भी मेरे को जरूरी है, मेरे पक्ष में सही रहेंगे, तो वो डॉक्यूमेंट्स भी उसके साथ में अटैच करेंगे और वो पिटीशन लैंड ट्रिब्यूनल के समक्ष दायर कर देंगे। एक बात तो ये हो गया। अब किसके पास आएगा? रेंट ट्रिब्यूनल के पास। अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेंगे, देखिए सेकंड सबसेक्शन में। अब रेंट ट्रिब्यूनल जो है नोटिस इश्यू करेगी। ठीक है, किसको इश्यू करेगी? अपोजिट पार्टी को, यानी कि विरोधी पक्षकार को। यहां अपोजिट पार्टी कौन है? टेनेंट। कौन है अपोजिट पार्टी यहां पर? टेनेंट। ठीक है, और ये नोटिस जो दिया जाएगा कितने दिन का दिया जाएगा? 30 दिन का, 30 डेज। जैसे ही लैंड ट्रिब्यूनल के समक्ष पिटीशन दायर करता है वो स्वामी या उसका व्यक्ति जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वैसे ही लैंड ट्रिब्यूनल नोटिस इशू करेगा किसको? किराएदार को, यानी कि विरोधी पक्षकार को। कितने दिन का नोटिस इशू करेगा? 30 दिन का। और उससे ही अपेक्षा करेगा कि वो क्या करे, अपना जवाब दे, शपथ पत्र दे, और अगर कोई दस्तावेज है तो वो भी ट्रिब्यूनल के समक्ष पेश करे। ठीक है, यहाँ पर जो तामील करवाई जाएगी इस नोटिस की, वो तामील जो होगी वो या तो आपकी ये ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा कि कैसी होगी, या फिर सिविल कोर्ट डिसाइड कर लेगा कि उनका जो आदेशिका तामील करता है उसके द्वारा की जाएगी, और साथ ही रसीदी रजिस्ट्री डाक द्वारा की जाएगी तामील। ठीक है, तो 30 दिन का नोटिस हो गया। अब फिर क्या होगा देखिए, नोटिस किसके पास गया है? टेनेंट, मतलब विरोधी पक्षकार के पास। अब नोटिस के बाद क्या होगा? अब विरोधी पक्षकार को क्या करना पड़ेगा? टेनेंट को जवाब देना पड़ेगा, उसको रिप्लाई करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, जिस दिन उसको नोटिस प्राप्त हुआ, जिस दिन नोटिस की तामील उसके ऊपर हुई, उस दिन
अपना जवाब देगा और साथ ही अपना जवाब, शपथ पत्र और दस्तावेज यदि जो भी जरूरी हो वो सब किस पर तामील करवाएगा, भूस्वामी पर, जो अर्जीदार है। अर्जीदार कौन है हमारा? भूस्वामी, जिसने पिटीशन दायर कर दी थी, अर्जी दायर कर ली थी। तो इसका काम क्या होगा? लैंडलॉर्ड का भी एक तो वो जवाब देना और अर्जीदार के ऊपर जो उसका रिप्लाई है, एफिडेविट है और जो डॉक्यूमेंट्स हैं, इनको किसको किसको तामील करवाएगा? अर्जीदार को। अर्जीदार कौन हो गया? पिटीशनर, जो लैंडलॉर्ड या लीगल रिप्रेजेंटेटिव उसका। ठीक है, अब 45 दिन में साहब इसने जवाब दे दिया। अब आगे क्या होगा? रिप्लाई के बाद सेम वही है जैसे हमने आर्टिकल 14 में, सेक्शन 14 में बात करी थी ना, सबका प्रोसीजर। सेक्शन 16 पढ़ेंगे तो उसका प्रोसीजर भी ऐसा ही होगा। तो रिप्लाई करना पड़ेगा, खाली उनका डेज का फर्क हो जाता है ना। अब क्या होगा? री रिप्लाई कौन करेगा? लैंडलॉर्ड या वो जो भी पिटिशनर है, अर्जीदार। कौन करेगा? अर्जीदार, जो भूस्वामी होगा या कोई, तो वो री रिप्लाई करेगा। अब ये री रिप्लाई इसको कितने दिन में करना पड़ेगा? 30 days। जिस दिन उसके ऊपर इस जवाब की रिप्लाई की तामील हुई, जिस दिन उसके पास रायदार के जवाब की तामील हुई, उस दिन से 30 दिन के अंदर अंदर अगर कोई री रिप्लाई को देना चाहता है, कोई प्रत्युत्तर अगर भूस्वामी देना चाहता है, अर्जीदार देना चाहता है, तो वो री रिप्लाई कर सकता है। ठीक है, इफ एनी होगा तो करेगा, नहीं तो वो जरूरी नहीं। फिर उसके बाद क्या आ गया? अब अगर मान लीजिए यहां अर्जीदार ने री रिप्लाई कर दिया, अब किसके पास आएगा मैटर? अब रेंट ट्रिब्यूनल का काम आएगा। अब रेंट ट्रिब्यूनल क्या करेगा? डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड करेगा। क्या डिसाइड करेगा? डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड करेगा। ठीक है, सुनवाई की तिथि या सुनवाई की तारीख, सुनवाई की तिथि डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? रेंट ट्रिब्यूनल। कौन सी डिसाइड करेगा? अभी बताती हूँ, विदिन 14 days। देखिए, जिस दिन किराएदार पर नोटिस की तामील की गई थी, सबसे पहला जब हमने बात करी थी ना सेकंड वाले सबसेक्शन में, कि भाई जैसे ही अर्जीदार ने अर्जी लगाई, शपथ पत्र दस्तावेज दिए रेंट ट्रिब्यूनल के सामने, रेंट ट्रिब्यूनल नोटिस भेज रहा था किसको? उसको, किराएदार को। तो जिस दिन किराएदार पर नोटिस की तामील हुई थी, उस दिन से 180 दिन के भीतर भीतर की डेट डिसाइड की जाएगी, 180 दिन के बाद की नहीं। तो यहाँ पर डेट कब से गिनेंगे? जिस दिन टीनेंट के ऊपर नोटिस तामील किया गया था, नोटिस तामील हुई थी, उस दिन से 180 दिन के भीतर भीतर की डेट डिसाइड की जाएगी, डेट ऑफ हियरिंग के रूप में। क्लियर? अब डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड हो गई, प्लस साथ में ये सबसेक्शन आपका 5 सबसेक्शन ये भी कहता है डिस्पोजल के बारे में, कि भाई इस मामले का निस्तारण कब तक किया जाएगा। रेंट ट्रिब्यूनल इस मामले का डिस्पोजल जो है वो करेगा विदिन 240 days, 240 दिन के भीतर भीतर। और ये 240 दिन कब से गिने जाएंगे? वापस यहीं पे आ जाओ, जिस दिन किराएदार पर नोटिस की तामील हुई थी, उस दिन से 240 दिन के भीतर भीतर यहाँ पर ये पूरे मैटर को रेंट ट्रिब्यूनल डिस्पोज करेगा, इस पूरे मामले का निस्तारण किया जाएगा 240 दिन के अंदर अंदर। वापस बता रही हूँ, कब से गिनोगे 240 दिन? जिस दिन टीनेंट पर नोटिस की तामील की गई थी, स्टार्टिंग पढ़ के आएगा सबसेक्शन 2 में। क्लियर हो गई बात? अब देखो, वापस से एक बार डेज देख लो, फिर आगे पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या हुआ था? पिटीशन और अर्जी दायर हुई थी रेंट ट्रिब्यूनल के समक्ष, किसने करी थी? भूस्वामी ने या उसके विधिक प्रतिनिधि ने करी थी। अर्जी दायर हो गई, फिर नोटिस इशू किया गया, कितने दिन का? 30 दिन का। ठीक है, फिर रिप्लाई करना था किसको? टीनेंट को। टीनेंट ने इनको रिप्लाई करना था नोटिस शामिल होने के 45 दिन के अंदर अंदर। फिर री रिप्लाई करना था वापस से लैंडलॉर्ड या अर्जीदार को, कब? 30 दिन के अंदर अंदर उसको री रिप्लाई करना था, जिस दिन से उसके पास जवाब की तामील हुई उसे 30 दिन के अंदर अंदर। फिर उसके बाद री रिप्लाई कर दिया, फिर उसके बाद डेट ऑफ हियरिंग डिसाइड करनी है रेंट ट्रिब्यूनल को 180 दिन के भीतर भीतर। 180 दिन कब से गिने जाएंगे? जिस दिन किराएदार पर नोटिस की तामील हुई थी, उस दिन से। फिर पूरे मामले को डिस्पोज कर
तामील हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये डेज लर्न कर रहे हैं। फिर हम बात करेंगे सबसेक्शन 6 की। ये तो हुई यहाँ तक प्रोसीजर का पार्ट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट जो आगे के 3 सबसेक्शन में बता रखे हैं। ये तो हुई बात यहाँ तक सबसेक्शन 5 तक, सेक्शन 15 सबसेक्शन 5। अब हम बात करेंगे सबसेक्शन 6 के बारे में, जो कहता है कि अगर रैंड ट्रिब्यूनल को लगता है, मैं प्रोसीडिंग चल रही है, उसे लगता है जरूरी है, तो वो एक संक्षिप्त जांच करवा सकता है, समरी इंक्वायरी करवा सकता है। और साथ ही साथ रैंड ट्रिब्यूनल के पास ये भी अधिकार है कि वो पक्षकारों में कंसल्टेशन, सुलह एवं समझौता भी करवा सकता है। कंसल्टेशन एंड सेटलमेंट विद द पार्टीज। ठीक है, कहने का मतलब क्या हुआ, सबसेक्शन 6 हमें क्या कह रहा है कि यहाँ पर रैंड ट्रिब्यूनल के द्वारा एक संक्षिप्त जांच करवाई जा सकती है और साथ ही पक्षकारों के बीच में सुलह एवं समझौता भी करवाया जा सकता है। भाई सुलह एवं समझौता हो जाता है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है ना, तो मैटर ही समझ। ठीक है, फिर बात आती है सबसेक्शन 7 की। सबसेक्शन 7 कहता है यदि किराया अधिकरण लैंडलॉर्ड के पक्ष में डिसीजन देता है। सबसेक्शन 7 क्या कह रहा है, यदि किराया अधिकरण लैंडलॉर्ड के फेवर में डिसीजन देता है तो वो लैंडलॉर्ड को एक सर्टिफिकेट इशू करेगा। क्या नाम होगा उस सर्टिफिकेट का, रिकवरी ऑफ पोजीशन, सर्टिफिकेट फॉर रिकवरी ऑफ पोजीशन, कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र। क्या देगा, कब्जे की पुनः प्राप्ति का प्रमाण पत्र। समझ में आई बात, क्या कह रहा है सबसेक्शन 7 कि जब रेंट ट्रिब्यूनल का डिसीजन लैंडलॉर्ड के फेवर में आता है तो रेंट ट्रिब्यूनल क्या इशू करेगा, रिकवरी ऑफ पोजीशन का सर्टिफिकेट इशू करेगा कि भाई अब भूस्वामी जो है अपना पोजीशन दोबारा अपने परिसर का कब्जा ले सकता है। अब देखिए, अब सवाल ये आता है कि यहाँ पर जब सर्टिफिकेट इशू हो गया तो सर्टिफिकेट को एग्जीक्यूट कब करवाया जाएगा, उसके बारे में तो निष्पादन उसका कब करवाया जा सकता है। ऐसे मानो कि जैसे आज मकान मालिक को सर्टिफिकेट मिल गया, उसके फेवर में डिसीजन आ गया, तो क्या आज के आज वो जाए और किराएदार को बाहर निकाल दे, उसके सामान बाहर फेंक दे, नहीं हो सकता ना। उससे परिसर भाई उसको भी टाइम देना चाहिए ना, वो भी अपने लिए दूसरा जगह ढूंढेगा रहने के लिए, व्यवस्था करेगा। इसलिए सबसेक्शन 8 यहाँ पर और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। वो बताता है कि इस सर्टिफिकेट का एग्जीक्यूशन कब करवाया जाएगा। तो अब देखो सबसेक्शन 8 ना ऊपर की बिल्कुल है ना, सबसेक्शन 8 तो यहाँ सबसेक्शन 8 बताता है सर्टिफिकेट के एग्जीक्यूशन के बारे में। तो ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड कर देते हैं, हम इसको पढ़ते हैं, इजी रहेगा आप लोगों को समझने में। देखिए, अगर परिसर रेजिडेंशियल पर्पस के लिए दिया हुआ है, निवासी उद्देश्य के लिए दिया हुआ है, निवासी प्रयोजन के लिए दिया हुआ है, या फिर परिसर कमर्शियल पर्पस के लिए दिया हुआ है, ठीक है, कैसे देखेंगे सर्टिफिकेट का निष्पादन कैसे करवाएंगे कि परिसर अगर निवासी प्रयोजनों के लिए दिया हुआ है तो जिस दिन सर्टिफिकेट इश्यू हुआ उसके 3 माह बाद आफ्टर 3 मंथ्स को निष्पादन होगा, एग्जीक्यूट होगा 3 महीने बाद। उससे साइन करके ध्यान रखना, 3 महीने का समय देंगे किराएदार को खाली करने के लिए। और अगर परिसर कमर्शियल पर्पस का है तो आफ्टर 6 मंथ्स, यहाँ 3 महीने और बढ़ा देंगे, आफ्टर 6 मंथ्स को एग्जीक्यूट किया जाएगा, निष्पादित किया जाएगा। समय क्यों देते हैं, ये तो मैंने आपको समझाया कि भाई उसको भी दूसरी जगह सेट होने में टाइम लगेगा। निवासी परिसर के लिए है तो 3 महीने बाद आप निष्पादन करवा सकते हैं उस आदेश का, और अगर कॉमर्शियल पर्पस के लिए वो परिसर है तो 6 महीने बाद करवा सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि इस 3 महीने के दौरान या इस 6 महीने के दौरान भी वो आपके मकान मालिक के परिसर में रहेगा तो सही, तो क्या उसका किराया भी उसको देना पड़ेगा। ऑफकोर्स देना पड़ेगा भाई, अगर मान लीजिए कि 6 महीनों के दौरान वो उस परिसर में रहता है तो वो जो किराया बनता है
मकान मालिक को यानी कि भू स्वामी को उसे चुकाना होगा, किराएदार उसको किराया भू स्वामी को देगा जितनी अवधि के लिए वो रहता है वहाँ पर। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो इस तरह से ये क्या है हमारा सेक्शन 15 जो सेक्शन 9 के प्रोसीजर के बारे में बात करता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही और अब हम नेक्स्ट क्लास में सेक्शन 16 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू ऑल ऑफ यू।